हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उमास ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और मेरा तो दो दिन बहुत ज़्यादा ही बिजी गुजरा। पूजा, फिर पूजा के बाद कितने काम होते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा। इतने बर्तन निकालो, पूजा के बर्तन अलग धो, फिर उनको अलग सेपरेट करो, सुखाओ। अभी भी मेरे काम चल ही रहे हैं। बट उस दिन तो जो बारिश हुई, बाप रे, करंट चली गई। इसमें आज वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। सुबह मैंने अपने सारे काम निपटा लिए हैं, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया। ब्रेकफास्ट का मैंने उतना शूट उट नहीं किया, नॉर्मली ब्रेकफास्ट था। आज मैं आप लोगों के साथ लंच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इंडियन रूटीन लंच, नॉर्मल सी, जिसमें दाल सब्जी जो भी होती है वैसे ही। आइए देखिए कैसा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मेरे किचन में, तो चलिए अब हम लंच तैयार करते हैं। जिसके लिए मैंने ले लिए हैं दाल, ये मैंने मसूर दाल और अरहर की दाल ली है, दोनों को मिला करके थोड़ी सी। अब इसको मैं साफ़ पानी में धो लूँगी। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें मैंने 1.5 ग्लास वाटर ऐड कर दिया है। आप जितनी दाल हो उतनी क्वांटिटी में आप पानी ले सकते हैं। अब इसमें मैं 2 टमाटोज चॉप करके ऐड कर दूँगी। ये मैंने 2 टमेटोज लिया है, इसको इनको मैंने चॉप कर लिया है। इसमें ऐड कर दूंगी मैं दाल में। इसके बाद मैं मसाले की डिब्बी है मेरी, इससे मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर, और मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून सॉल्ट। जितनी आप लेंगे दाल और वाटर उस हिसाब से आपको स्वाद के अनुसार इसमें डालना होगा। और मैं इसमें 1 टीस्पून थोड़ा ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल डाल देने से क्या होता है कि दाल जब सीटी लगती है तो बाहर नहीं आती है और आपका कुकर साफ का साफ रहता है। गैस ऑन करके मैं कुकर को चढ़ा लूंगी। इसमें मैं 5-6 सीटी लगवा लूंगी। जब तक दाल हो रही है तब तक मैं, ये है जुकीनी, इसको बोलेंगे, या तरोई, या हिंदी में कहा जाता है इधर ढोड़का, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, साफ़ करके कट कर लिया है। कट करने के बाद इनको मैं साइड कर लूँगी। और इसके लिए मैं ले लूँगी 3, मैंने देखिए पोटैटोस लेके चॉप कर लिया है अच्छे से छील करके। और साथ में इसके लिए मैं कर लूँगी आपका प्याज, ऑनियन लेना है मुझे, 2 ऑनियन मैंने देखिए पील कर लिया है अच्छे से और उसे चॉप कर लिया है। दाल के लिए मैं ले लूँगी 1 ऑनियन, जिसे मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। और इसके साथ ही मैं कुछ लहसुन, गार्लिक जिसे कहते हैं, उसको मैं छील करके अच्छे से चॉप करके रख लूँगी। उसे भी ये मैंने 1 ऑनियन चॉप कर लिया है, यह है दाल के लिए। और वो 2 ऑनियन जो मैंने चॉप किए थे वो हम सब्जी में ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैं कट करके रख ले रही हूँ। यह है 2 टमेटोज़ भी मैं सब्जियों के लिए ही ले रही हूँ। खाना बनाना तैयार होने से पहले ही मैं सारे सामान देखिए कट करके इस तरह से तैयार करके रख लेती हूँ। यह है लहसुन चॉप करके मैंने रखा हुआ है, यह 3 मिर्ची, उधर मैंने आलू कट करके रखा हुआ है, ये टमाटर आपको दिखाया ही है मैंने सब्जी के लिए, वो एक ऑनियन जो मैंने चॉप की है वो है दाल के लिए। दाल की सीटी लग गई है, दाल लगता है गल चुकी है। हाँ देखिए दाल गल चुकी है। अब मैं इसे अच्छे से और थोड़ा गला लूँगी विस्कर की सहायता से। आपके पास जो हो उससे आप इस तरह चला लीजिए। और इसमें थोड़ी सा पानी और ऐड कर दीजिए अगर दाल गाढ़ा हो गया हो, क्योंकि कभी कभी हम सीटी लगाते हैं तो दाल थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, बस 1/2 ग्लास से भी कम होगा। अब इसे मैं फिर से बॉयल होने के लिए रख दूँगी। ये हमारा दोपहर का लंच है, इसलिए मैं दाल और सब्जी दोनों बना रही हूँ। एक तरफ मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी गैस पर, और उस एक तरफ मैं उस दाल को बॉयल होने के लिए रखूँगी फिर से। उसके लिए हम तड़का तैयार कर रहे हैं। 2 टीस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड किया है मैंने कढ़ाई में। कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद तड़के के लिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है नहीं, कम में ही हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गर्म हो जाने पर तेल, लाल मिर्च, एक सूखी लाल मिर्च को मैं तोड़ कर डाल दूँगी तड़के के लिए, और कुछ क्यूमिन सीड्स मैं इसमें डालूँगी। 1 चम्मच आप डाल सकते हैं, 1 टीस्पून। तड़के में कभी कभी भी चेंजेस भी हम करते हैं दाल में। आज मैं जीरे वाली दाल ही बना रही हूँ, प्याज लहसुन वाली, पूरे तड़के वाली। अब इनको हम थोड़ा सा चला लेंगे गरम तेल में। उसके बाद हम डाल देंगे चॉप जो मैंने किए थे गार्लिक, लहसुन, उनको डाल के हल्का सा भून लेना है, जले ना। और फटाफट से हमने जो ऑनियन चॉप करके रखा था एक दाल के लिए, उसको इसमें ऐड कर देंगे।
ऐड करने के बाद अच्छे से हम इनको भून लेंगे और हमारा तड़का तैयार करेंगे दाल के लिए। ऐड कर दिया मैंने ऑनियन को, प्याज को, अब इनको आप अच्छे से चला लीजिए। इधर दाल भी देखिए बॉयल हो रही हैं। इस टाइम पे आप सॉल्ट आपने जो डाला है, नमक, आप उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। अगर कम हो तो थोड़ा आप और ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले ही डाल दिया था इसलिए मुझे और डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मैंने नो सॉल्ट बिल्कुल नाप के डाला है। ऑनियन और देखिए जो मसा तड़का हमने तैयार किया वो भुन चुका है, जलने ना पाए। अब इसको मैं दाल के अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसे आप एक उबाल लगा कर उतार लीजिए। दाल तैयार है हमारी। इधर सेम कढ़ाई में मैं और 2 से 3 टीस्पून में ऑयल देखिए ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि सब्ज़ी बनानी है हमको। सब्ज़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ली है इसलिए ऑयल भी ज़्यादा दिया है। 2 मैं सूखी मिर्ची इसमें तोड़कर डाल दे रही हूँ ऑयल गर्म हो जाने पर। वैसे कढ़ाई गर्म ही है क्योंकि मैंने तुरंत ही काम किया है। और मैं इसमें 1/2 टीस्पून सरसों के दाने ऐड कर दे रही हूँ, मस्टर्ड सीड्स। जब ये तड़क जाए अच्छे से, दाल इधर देखिए हो रही है, अब मैं दाल को ऑफ़ कर दूंगी। दाल तैयार हो चुकी है बॉयल होके हमारे लंच के लिए। अब इसी में मैं सेम तड़के में डाल दूंगी लहसुन जो मैंने चॉप करके रखा हुआ है, गार्लिक। इनको अच्छे से चलाने के बाद इसमें मैं ऑनियन को भी ऐड कर दूंगी जो मैंने काट के रखा है, ऑनियन, और साथ में ग्रीन चिलीज़ जो मैंने 3-4 काटी हुई हैं। बस इनको ऐड करके मैं कुछ देर भून लूँगी। देखिए जो गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक आप इनको भूनते रहिए, ज़्यादा भी ना भूने, हल्की मीडियम आँच पर रखें, ना ही हल्की और ना ही तेज। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसालों में 1/2 टीस्पून टर्मरिक का पाउडर। का पाउडर ऐड करने के बाद आप अच्छे से इसे चला लीजिए। अब हम इसमें जो हमने आलूओं को छील कर चॉप करके रखा है उनको हम डाल के साथ साथ भून लेंगे। प्याज और ऑनियन साथ में ही भूनेंगे, ऑनियन ज़्यादा ना जले। इस तरह थोड़ा चला लीजिए। चलाने के बाद हम इनको कुछ देर के लिए ढककर पकाएंगे हल्की आंच में। आप उठाओ ढक्कन उठा के चेक कर लीजिएगा वरना यह जल ना जाए। 1 से 2 मिनट इनको ढक कर पकाइए। आलू जब हल्की फ्राई होने लग जाएं तब हम इसमें और सूखे मसाले ऐड करेंगे। मसाले की डिब्बी मेरी आ गई है आप सामने देख ही लिया है आपने। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा का पाउडर, ज़्यादा मसाला इसमें ज़रूरत है नहीं। 1 टीस्पून धनिया का पाउडर मैंने और 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। और मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला आपके पास जो भी हो घर में वो आप इसमें डाल सकते हैं सब्ज़ी में। अब इनको हम अच्छे से चला लेंगे, मसाले जले ना, इसलिए हम फटाफट से जो हमने जुकीनी तोरई को जिसको हमने चॉप करके रखा हुआ है, काट के रखा हुआ है, उसको हम पानी से निकाल करके अच्छे से सब्जी में ऐड कर देंगे और चला देंगे ताकि हमारे मसाले भी ना जलें और जुकीनी भी तरोई भी अच्छे से पक जाएं। देखिए आधा ऐड किया है मैंने और मैंने चला लिया है। फिर मैं बाकी का भी ऐड करके अच्छे से इनको मिला ले रही हूँ ताकि ऊपर नीचे मसाले पूरे इनमें अच्छे तरह से कोट हो जाए। अब इनको हम ढक करके कुछ देर पकाएंगे। 1 मिनट तक पकाने के बाद देखिए इनका पानी, जुकीनी के अंदर में बहुत पानी होता है तरोई में, हिंदी में जिसे हम तरोई कहते हैं, इनमें बहुत पानी होता है। इनको हमको ढक कर पकाना होता है कुछ टाइम पर। जब ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ने लग जाए तो हमको ढक्कन हटा कर पकाना होता है। मैं इसको फिर थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि अच्छे से गल जाए तरोई। फिर मैं खोल लूँगी, देखिए इनको एक मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है क्योंकि ये जलने तो लगेगा नहीं, इसमें पानी छोड़ता है ये बहुत टाइम तक। अब इसको हमको बिना ढके ही इसी तरह पकाना है। मैं इसमें डाल दूंगी टमेटोज। 2 से 3 मिनट मैंने ऐसे ही पकाया है उसको ताकि पानी सूखे, बट पानी इतनी जल्दी इसका सूखता नहीं है। टमेटोज मैंने ऐड किए हैं और ऊपर से टमेटोज गल जाएँ इसके लिए मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट। ये 1 टीस्पून मैंने पहले डाला है और थोड़ा मैंने डाल दिया, 1/2 टीस्पून से कम ही है। आप जितनी सब्जी ले रहे हैं उस अनुसार टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए सॉल्ट। और कुछ देर मैंने चला लिया ताकि ये पक जाए अच्छे से, टमाटर भी पक जाए और सब्जियां भी हमारी। इसी तरह इसको बिना ढके हमको पकाते ही रहना है। टमाटर डालने के बाद आप कुछ देर ढककर पका सकते हैं। देखिए इसका कितना
पानी निकल आया है सब्जी का, इसको हमको इसी तरह आँच को इस समय मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा। सब्जी तैयार है, अब हम इसमें डाल देंगे ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्तियाँ अगर आपके पास हो तो, ना हो तो भी चलेंगी। अच्छे से मिला लीजिए और सर्व कर दीजिए। देखिए सब्जी तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल देसी स्टाइल दोपहर का खाना हमारा रेडी है, दाल चावल और सब्जी। ये मैं और आनी का खाना है, हमने थोड़ी सैलेड्स भी कट कर लिया है, हम खा लेंगे अब दोपहर का खाना। अगर आपको पसंद आए मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोज़, अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियोज़ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, लाइक बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये सैटरडे लंच था इसलिए मैंने बिल्कुल सादा खाना बनाया है। सभी घरों में इसी तरह का लंच तैयार होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक बेल बटन आता है, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियोज़ आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता ही जाएगा। ओके, यही था मेरा डेली रूटीन का लंच। ये देखिए अब लंच हो जाने के बाद मैंने पूरे किचन को क्लीन कर लिया है, सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं, हमारा लंच हो चुका है, मैंने पूरे किचन को क्लीन कर लिया। वैसे भी मैं तुरंत जैसे ही खाना वाना हो जाता है मैं तुरंत क्लीन कर लेती हूँ। अब हमने मंगाया था अमेज़ॉन से, मैंने एक पौधा मंगवाया हुआ है जो कि उगाओ ब्रांड से है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। मुझे इंडोर प्लांट चाहिए थे कुछ, इसलिए मैंने ऑर्डर किए थे, बहुत ही सेफली उन्होंने मुझे ये डिलीवर्ड किया है। देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी ख़राब नहीं है, जिसमें जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वैसे ही मैं इसे कट कर रही हूँ। अब देखें ज़रा ये कैसा निकला है। ये जेडे प्लांट है जो कि इंडोर होता है, आप घर के अंदर रख सकते हैं। ज़्यादा पूरा देखिए कितने अच्छे से पैकेजिंग में आया हुआ है ये। खाना वाना हमने खा लिया था, मैंने पूरे किचन विचन साफ कर लिया, उसके बाद मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। आ तो गया था ये सुबह ही, बट इसको हमने सैनिटाइज करके रख दिया हुआ था बाहर ही बहुत टाइम तक, उसके बाद मैंने शाम को इसे खोला है। अगर आपको लेना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं ज़रूर इसमें डाल दूंगी। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे चाहिए था घर में, मुझे पसंद आया इसलिए मैंने मंगवाया था। लो मेंटेनेंस पौधा है ये, आपको ज़्यादा पानी वानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, ना धूप ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है। देखिए कितने सेफ्टी से उन्होंने पैक किया हुआ है, बहुत ही सेफली उन्होंने भेजा है। वाह, लाइव प्लांट मैंने मंगवाया हुआ है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने पैक करके भेजा है। और भी मैं कुछ सामान मंगवाने वाली हूँ, ज़रूर आपको दिखाऊंगी आगे के ब्लॉग में। ये है हमारा जेड ए प्लांट जिसे मैं रखूंगी घर के अंदर, बाहर मैंने लाया, इसमें थोड़ी मिट्टी विट्टी लगी हुई थी गमले में तो मैंने सफाई की उसकी, अब मैं इसे घर पे अपने डाइनिंग टेबल पे रखूंगी। देखिएगा अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।